हाय गाइस, वेलकम टू आस्क एमबीए। हम बात करने वाले हैं एनमेट एग्जामिनेशन के बारे में, और एनमेट एग्जामिनेशन के बारे में स्पेसिफिकली हम बात करने वाले हैं कौन सेक्शन के बारे में। तो अगर हम बात करते हैं कौन सेक्शन की, तो हमारे पास है टोटल 36 क्वेश्चंस और हमें मिलता है 52 मिनट्स का टाइम। यस, दैट इज गुड अमाउंट ऑफ टाइम रिगार्डिंग कौन सेक्शन की, हमें 52 मिनट्स मिल रहे हैं। Yes, for 36 questions. अब अगर हम बात करते हैं कि कौन से टॉपिक से questions पूछे जाते हैं, so the topics are like arithmetic, topics are like algebra, geometry, PNC probability, and apart from this, we also have number system, as well as data interpretation and data sufficiency. So these are the topics जहां से questions पूछे जाते हैं। अगर मैं specifically arithmetic section, arithmetic part की बात करता हूं, तो यहां पे जो questions पूछे जाते हैं, that is out of profit and loss, ratio proportion, mixture allegation, percentage, ये सारे topics से आपको questions देखने को मिलते हैं arithmetic topic में। अगर हम बात करें algebra की, algebra में आपको देखने को मिलता है linear equation, quadratic equation, sequence series, ये topics देखने को मिलेंगे। geometry के अंदर आपको प्रॉपर्टीज, मेंसुरेशन, ट्रिग्नोमेट्री, यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। पीएनसी प्रोबेबिलिटी, एज यू नो, नंबर सिस्टम की बात करते हैं, आपको नंबर प्रॉपर्टीज के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, इवन एलसीएम एचसीएफ के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। डेटा इंटरप्रिटेशन, डेटा सफिशिएंसी की बात करें, डेटा इंटरप्रिटेशन में आपको पता ही होगा, डेटा इंटरप्रिटेशन में आपको ग्राफ वाले क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, लाइक पाई चार्ट, बार ग्राफ एंड ऑल दैट थिंग्स। डेटा सफिशिएंसी में क्या होता है, आपको एक लाइन गिवन रहती है, उस पर्टिकुलर थिंग को फाइंड आउट करने के लिए आपको कितना डेटा सफिशिएंट है वो पता करना होता है। सो दीज आर द थिंग्स जो पूछे जाते हैं। अब बात करते हैं वेटेज कितना होता है। सो अगर हम बात करते हैं अरिथमेटिक की, तो अगेन वी हैव अराउंड 6 to 8 क्वेश्चंस फ्रॉम अरिथमेटिक। अलजेब्रा की बात करते हैं, देन वी हैव 3 to 4 क्वेश्चंस अप्रोक्सीमेटली। ज्योमेट्री की बात करें, 3 to 4 क्वेश्चंस। प्रोबेबिलिटी, वी हैव 2 to 4 क्वेश्चंस। नंबर सिस्टम, 2 to 4 क्वेश्चंस। एंड डेटा इंटरप्रिटेशन, अगेन अराउंड 3 to 5 क्वेश्चंस। एंड डेटा सफिशिएंसी, अगेन 3 to 5 क्वेश्चंस। अप्रोक्सीमेट नंबर आर लाइक दैट, लाइक दीज आर टॉपिक्स जिनसे ये नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब बात करते हैं, क्या 52 मिनट्स में 36 क्वेश्चन करना पॉसिबल है? यस, इट इज पॉसिबल। अब मैं ये नहीं कहता कि सारे क्वेश्चंस राइट होंगे, रॉन्ग होंगे, क्या होगा वो डिपेंड करता है, लेकिन दैट इज पॉसिबल कि आप गिवन 52 मिनट्स में आप 36 क्वेश्चंस कर पाओगे, क्योंकि लेवल ऑफ डिफिकल्टी जो क्वेश्चन का होगा दैट इज मीडियोकर लेवल पे होता है। अब बात करते हैं क्वेश्चंस राइट कितने करने हैं, फिर क्या होने वाला है, या फिर कितना अप्रोच रखना है, फिर कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। अगर आपने लेट्स से हाफ ऑफ द टाइम के हिसाब से, टाइम 52 मिनट्स, इसका हाफ करेंगे तो 26 आता है। अगर आपने 26 क्वेश्चंस भी राइट कर लिए, दैट विल बी गुड नंबर ऑफ क्वेश्चंस इन कौन सेक्शन की आपने राइट कर लिया। अगर आपने 26 का ही टारगेट रखा है, तो आपके पास आराम से 2 मिनट पर क्वेश्चन मिलने वाला है, दैट विल बी गुड नंबर ऑफ क्वेश्चंस टू टारगेट। ओके, आई होप यू गॉट अ बेसिक आइडिया अबाउट ऑल द थिंग्स फॉर द कौन सेक्शन। थैंक यू, डू गुड।